नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, मैं एक सप्ताह से गंधर्व हस्तादि कषाय ले रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लोटिंग और भूख की कमी की समस्या से पीड़ित हूँ। क्या यह मददगार है? जब से मैंने यह दवा लेना शुरू किया है तब से मुझे तरल मल का उत्सर्जन की समस्या हो रही है। क्या यह सामान्य है? कृपया स्पष्ट करें। गंधर्व हस्तादि कषाय एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पाचन समस्याओं के इलाज में किया जाता है। यह दवा केरल आयुर्वेद सूत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। इस औषधि को बनाने की मुख्य सामग्री है अरंडी, चिलबिल, चित्रक, अदरक, हरद, जवास, गंधकंद और हुई आमला है। यह कषाय अरुचि, ब्लोटिंग, भूख की कमी, कब्ज, बल्कि यूट्रस, दर्दनाक माहवारी आदि में उपयोगी है। इसका उपयोग इसकी हल्की रेचक क्रिया के कारण दैनिक शुद्धिकरण को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह की हल्की शुद्धिकरण चिकित्सा वात असंतुलित विकारों जैसे गर्दन की स्पॉन्डिलाइटिस, पेट दर्द, चंगा दर्द, पैर दर्द आदि में किया जाता है। सहस्रयोग ग्रंथ के अनुसार गंधर्व हस्तादि कषाय की इस प्रकार व्याख्या की है, क्वातस्सु सैंधवः गुडः पवनस्य शान्त्यः वहनर्बलाय रुचये मलशोधनाय। जब इस कषाय को सेंधा नमक या गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है तो यह वात दोष को संतुलन करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, स्वाद में सुधार करता है और आंत्र को खाली करने में मदद करता है। यह स्पष्ट है कि इस कषाय का रेचक प्रभाव होता है, इसलिए यदि हम प्रश्न पर विचार करें तो गंधर्व हस्तादि कषाय के सेवन के बाद द्रव मल के बारे में पूछा गया है। यह आपके मल में भिन्नता का कारण है। आपके द्रव मल प्रवृत्ति का कारण यह कषाय का सेवन है। इसे साधारण माना जाता है, लेकिन अगर आपको दिन में 4 से 5 बार तरल कब्ज की समस्या है तो कुर्रा को कम करने से इसे दूर किया जा सकता है, लेकिन बदलाव करने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसलिए इस दवा को लेने से पहले दस्त से पीड़ित लोगों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।